नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला के इस चरण में आज हम रीति काल के वीर रस के ख्याति प्राप्त कवि भूषण के कवित्वों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। चकित चकता चौंकी उठे ऐसे शुरू होने वाले कवित्व का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा संपादित रीति काव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित रीति काल के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित चट्टे कवित्व से लिया गया है। कवित्व का संदर्भ है कि यहाँ भूषण ने महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही उनके शत्रु राजाओं, विदेशी राजाओं एवं उनकी स्त्रियां बहुत भयचकित होने का संदर्भ है। आइए हम कवित्व की प्रथम दो पंक्तियों को पढ़ेंगे। चकित चकता चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दलसती चित चाहे करकती है। शब्दों का अर्थ देखिए, चकित माने चाक नामक एक पक्षी है, चकता शब्द का अर्थ है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती शिवाजी, चौंकी उड़े बार बार, चौंक उड़ना, दिल्ली दलसदी चित, दिल्ली के बादशाह का जो चित है, चित चाहे करकती है, करकना शब्द का अर्थ है धड़कता है। यहाँ कवि भूषण ने एक अप्रतिम बिंब के द्वारा चाक पक्षी की तुलना अत्याचारी औरंगजेब से और चंद्रमा की तुलना महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी से किया है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि चाक पक्षी की क्या विशेषता है। चाक पक्षी सारी रात चंद्रमा की ओर ताका करता है और अपनी पुलिंगों को चंद्रमा के टुकड़े समझकर चुनता रहता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार चाक पक्षी सारी रात चंद्रमा की ओर देखकर बारंबार चौंक उड़ता है, उसी प्रकार चंद्रमा के समान प्रशोभित महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी के आतंक से या युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही दिल्ली के बादशाह औरंगजेब का चित्त भी दहशत से कई बार करक जाता है या थड़कता रहता है। यहां भूषण ने छत्रपति शिवाजी की तुलना चंद्रमा से और औरंगजेब की तुलना चाक पक्षी से किया है, अर्थात शिवाजी के आतंक से दिल्ली सम्राट औरंगजेब अत्यधिक भयभीत एवं भयग्रस्त है। छत्रपति शिवाजी की विजय की गाथाएं सुनकर वे बहुत ही चिंतित हैं। अब हम तीसरी पंक्ति को पढ़ेंगे। बिलकी बतन बिलकात बीजो पर पति। शब्दों का अर्थ देखिए, बिलकी बिलकी शब्द का अर्थ है रोना, बतन माने मोह, बिलकात शब्द का अर्थ है बिलकना। कौन बिलकता है? विजयपुर पति, विजयपुर के राजा। आइए हम देखते हैं विजयपुर के राजा क्यों बिलकता है, रोता है। राजा शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही बीजापुर के राजा का तो शरीर ही बिलक उठता है और वे बच्चों जैसे बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि शिवाजी के आतंक से और कौन कौन भयभीत होते हैं। चौथी पंक्ति को देखिए, फिरत फिरंगिन का नारी फरकती है। शब्दों का अर्थ देखिए, फिरत फिरंगिन फिरता है, फिरत फिरंगिनी माने विदेशियों की स्त्रियां किसके समान फरकती हैं? चिड़ियों के समान। चौथी पंक्ति का भावार्थ यह है कि महाराज शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही फिरंगियों की औरतों तो चिड़ियों की भांति भरक जाती है। भिरंगियों, भिरंगिन, इससे क्या तात्पर्य? यूरोप या अंग्रेज देश के निवासी जिसके शरीर का रंग अत्यधिक गोरे रंग के हो, इसे हम अंग्रेजी में
यूरोपियंस कहते हैं, दर दर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा। देखिए और कौन डर जाते हैं शिवाजी के आतंक से। शब्दों का अर्थ देखिए, दर दर कांपत, दर दर कांपता है कौन, कुतुब शाही परिवार सहित कांपता है कौन, गोलकुंडा के राजा। यहां भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही गोलकुंडा के राजा साहब भी अपने परिवार जनों की सुरक्षा पर व्यथित होकर धर धर कांप जाते हैं। अगली पंक्ति को देखिए, खहरी खबसी फूब फीरू फरकती है। शब्दों का अर्थ देखिए, खहरी खबसी माने पुर्तुगीज अंग्रेजी लोग, फूब माने राजा, फीरू राजागण फरकती है भयभीत हो जाते हैं। कौन कौन भयभीत हो जाते हैं, पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। हम भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही हबशी पुर्तुगीज अंग्रेजी एवं भीरू कायर तथा भोग विलास में लिप्त राजाओं के हृदय भी भय से भर जाते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं। कवित्त की अंतिम दो पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, कहते पाद साहन की छाती धड़कती है। नए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, राजा शिवराज के नगारन की धाक माने युद्ध के लिए जो रण भेरी है। कहते शब्द का अर्थ है कितने ही, पाद साहन से तात्पर्य है बादशाह, धड़कती है माने विदीर्ण होना या धड़कना। इन पंक्तियों का भावार्थ है, अहम भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी के युद्ध के लिए प्रस्थान की घोषणा सुनते ही नगाड़े की धाक या युद्ध की रणभेरी सुनते ही कितने ही बादशाहों की छाती धड़कने लगते हैं या विदीर्ण हो जाते हैं, डर जाते हैं। प्रस्तुत कवित्त का विशेष हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस कवित्त में भूषण ने महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया है। इस कवित्त में उपमा अलंकार है, छत्रपति शिवाजी की तुलना चंद्रमा से और औरंगजेब की तुलना चाक पक्षी से करने से यहाँ उपमा अलंकार है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कवित्त के पूरे अर्थ को स्पष्टता के साथ समझने में पूरी तरह काबिल हुए हैं। आप सबको धन्यवाद।